और अब मैं अगले सवाल पर आता हूँ बट वो जो सवाल मेरे अगले हैं वो मल्टी करेक्ट है क्वेश्चन नंबर फाइव और सेवन तो इसमें एक से ज़्यादा करेक्ट हो सकते हैं और मार्किंग स्कीम जो पहले पेपर में थी वही है करेक्ट पे प्लस फोर और इनकरेक्ट पर बाहर से मार्किंग थी यानी आप करेक्ट ऑप्शन को मार्क करते हैं तो यू विल गेट आंसर तो यहाँ देखिए इनको सोल्यूशन ऑफ हाइड्राजीन इज इलेक्ट्रोकेमिकली ऑक्सीडाइज्ड बाय ओ टू देयर बाय रिलीजिंग केमिकल एनर्जी इन फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी राइट एंड वन ऑफ द प्रोडक्ट जनरेटेड फ्रॉम द इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन आपकी वो प्रॉब्लम है मुझे यह तो पता पड़ रही है कि एन टू एच फोर किसमें कन्वर्ट हो रहा है एन टू पर एन टू एच फोर किसमें कन्वर्ट हो रहा है एन टू पर तो यहां पर अगर मैं नाइट्रोजन का देखता हूं तो प्लस टू आएगा और अब निकाल लीजिए टू एक्स प्लस फोर सॉरी माइनस टू तो एक्स कितना आ जाएगा माइनस टू तो माइनस टू से नाइट्रोजन कहां जा रहा है जीरो तो माइनस टू से जीरो जाने का मतलब है कि नाइट्रोजन का क्या हो रहा है ऑक्सीडेशन अगर नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन हो रहा है तो एन टू और ये किसकी प्रेजेंस में होगा बेसिक मीडियम है ओ एच माइनस एंड नाउ यू विल गेट फोर एच टू ओ प्लस फोर इलेक्ट्रॉन्स गॉट इट तो ये आपका ऑक्सीडेशन हाफ है अब जो चार इलेक्ट्रॉन इसने लूज किए उन्हें ऑक्सीजन गेन करेगा एंड यू विल गेट फोर ओ एच माइनस ये हो गया भाई लेकिन यहां पर मुझे क्या लिखना पड़ेगा टू एच टू

ओ एच माइनस तो ये रही कैथोड ओ टू किस में कन्वर्ट हो रही है ओ एच माइनस में तो आपका आंसर सी भी करेक्ट है तो इसके आंसर्स होंगे ए एंड सी चलिए भाई अब हम अगली सब प्रॉब्लम पर आते हैं द कंपाउंड हैविंग परऑक्साइड लिंकेज बहुत आसान बहुत आसान प्रॉब्लम पी ब्लॉक की भी बोल सकते हैं और इसे नॉर्मली बच्चों को केमिकल बॉन्डिंग में ही समझा दिया जाता है जहां हम लोग बॉन्डिंग कैलकुलेट करना सीखते हैं दो तो इनके स्ट्रक्चर्स आपको पता होने चाहिए जैसे एस टू ओ सेवन टू माइनस क्या होता था एक minute, S. कितने हो गए दो और दो चार और एक पांच ये हो गया तो इसमें परऑक्साइड लिंकेज नहीं है एच टू टू ओ एट एच टू टू ओ एट अगर मैं इसका स्ट्रक्चर बनाता हूं तो ये देखिए यहां पर परोक्साइड लिंकेज है यहां पर परोक्साइड लिंकेज है ओ मैंने कनेक्ट करके दिखा दिया है तो इधर है बी तो बी इज योर आंसर एच टू एस टू ओ फाइव तो देखिए आपको याद रहता है एस टू ओ फाइव टू माइनस ये क्या होता है एस एस डबल बॉन्डो डबल बॉन्डो डबल बॉन्डो ओ ओ ये माइनस होता है इन्हीं पे एच लगा दोगे तो यहां भी नहीं है तो दिस इज नॉट योर आंसर दिस इज नॉट योर आंसर एच टू एस ओ फाइव ये आपको पता होना चाहिए सल्फर ओ ओ एच एक परसाइड लिंकेज यहाँ है तो आपका आंसर क्या हो जाएगा बॉम्बे और डेली तो अगेन अगर बच्चों को ये स्ट्रक्चर्स याद हैं और जो मैं कि मैं बताऊंगा कि अक्सर वो बच्चों को याद रहते ही है ये स्ट्रक्चर्स अगर आप लोगों को याद हैं तो फिर मुझे लगता है कि एक बोर्ड लेवल की प्रॉब्लम थी ये कॉमन स्ट्रक्चर्स हैं जो बच्चों को याद कराए जाते हैं इवन क्लास में भी नाउ वी गो ऊपर जो रखा तो बस ये नोट करो क्या -क्या हम उन्होंने की है। एक तो जो कीटोनिक ग्रुप है वो अल्कोहल में कन्वर्ट हुआ है, तो ये इसकी की है यहां पे हम सारा देख करके तो बता ही सकते हैं कि ये रिडक्शन एन लेके की हो सकती है फिर भी

कि NaBH4 बी एच फोर मोस्ट लाइकली एनए बी एच लेना तो सबसे पहले लो इनफैक्ट स्टीफन रिडक्शन करने से पहले आप सोडियम बोरोहाइड्राइट यूज कर लो क्योंकि अगर स्टीफन रिडक्शन करने के बाद अल्टीहाइड बनने के बाद आपने NaBH4 यूज किया होता तो फिर वो अल्टीहाइड अल्डीहाइड नहीं होता वो अल्डीहाइड अल्डी अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाता तो मैं NaBH4 की जो पोजिशन है उसको पीछे वाली साइड की जगह पर आगे वाली साइड पर प्रेफर करूंगा दे विल ऑलवेज बी मोर रिमार्केबल यू नो इन द फ्रंट साइड सो दिस पार्ट सी इज समथिंग जिसके साथ मैं पहले जाना चाहूंगा आपने अगर एन यूज किया है सो so वो इसको एल्कोहल में कन्वर्ट करेगा एन ए बी एच फोर डज नॉट अटैक कबोक्सिलिकसिड डेरिवेटिव तो कबोक्सिलिकसिड डेरिवेटिव इंटैक्ट रहेगा इसका उसके बाद आप स्टीफन सेडक्शन करोगे क्योंकि एन ए बी एच फोर यूज हो चुका तो अच्छी बात है फिर स्टीफन रिडक्शन करके उसका एल्डीहाइड कन्वर्ट करो उसके बाद एसिड हाइड्रोलिसिस करके जो एस्टर है उसका एल्कोहल बना लो इधर

NABH4 पहले यूज करना स्टीफन रिडक्शन से पहले NABH4 यूज करना है उसके बाद नहीं क्योंकि अगर आप स्टीफन रिडक्शन करोगे एल्डीट बना लोगे फिर NABH4 यूज करोगे तो उसका अल्कोहल बन जाएगा हम यहां पे बहुत क्लियरली देख रहे हैं कि एलडीहाइट ग्रुप इंटैक्ट है इसके अंदर इसमें एलडी हाइड ग्रुप में उन्होंने चेंज नहीं किया तो लिडलास कैटली से पहले यह एल्काइन एल्कीन में कन्वर्ट हो रहा है दिस इज फाइन फिर आपने NABH4 डाला जिससे कि ये जो कीटोनिक ग्रुप है वो अल्कोहल में कन्वर्ट हो गया दिस इज ओके अब NABH4 यूज हो गया उसके बाद आपने इस साइनाइड की स्टीफन पार्शल रिडक्शन कराई इनटू एन एल और लास्ट में एसिड हाइड्रोलिसिस करके ये जो एस्टर है इस एस्टर का अल्कोहल बना लिया स्ट्रक्चर्स बहुत बड़े बड़े हैं इसलिए इसको बनाना थोड़ा सा डिफिकल्ट है बट इट्स वेरी क्लियर कि हमें सिर्फ वो पोजिशन ये वाली पोजिशन बी एच फोर की गलत है आप देखो पहले स्टीफन रिडक्शन की है तो अगर यहां पर साइनाइड टू एल बन जाता या फिर इधर सानाइड टू एल्डिहाइड बन जाता ये एल बनता तो एन ए बी एच फोर इस एल्डिहाइड को एल्डिहाइड नहीं रहने देता उसको एल्कोहल में कन्वर्ट कर देता विजय क्लियरली इंडिकेटिव ऑफ द फैक्ट के ए और बी गलत चॉइस हैं। सी एंड डी विल बी दी द्रोप्रिएट चॉइस इस क्वेश्चन का आंसर सी ओर डी